मुझे तो लगा तू मर गई पर तू जिंदा बैठी। नहीं बेटा ऐसा मत बोल। तुझे कितनी बार बोला मैंने तू घर में बैठ के घर के काम किया कर, तू बाहर क्यों निकलती है लोगों को तमाशा दिखाती है? हाँ तो हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो भाई आज ये माता जी बैठी हुई हैं। माता जी आपका नाम? मेरा नाम सोनिया है। इनका नाम सोनिया भाई, और मैं उस भाई का भी धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने इनसे मिलाया था मेरे को। तो इनकी प्रॉब्लम ये है कि जो इनके घर की बहू है, इनके बेटे की बहू है यानी कि, वो इनको परेशान करके रखी हुई है। तो माता जी क्या प्रॉब्लम आपकी, हमारे व्यूवर्स को बताओ एक बार। क्या बताऊँ बेटा, मेरी जो बहू है वो बहुत अमीर घर की है, बिगड़ी हुई है। हाँ, मेरे साथ उसका जो है हमेशा कुछ ना कुछ करते रहती है, हमेशा झगड़ा करती है मुझसे। किन बातों को लेके? और चली जाती है क्लब में, जाती है क्लब में, जाती है क्लब में जाती है, वहाँ से दो चार सहेलियाँ उसके फ्रेंड लोग जो है उन लोगों के साथ में आती है रात को। और टाइम पे आती भी नहीं है घर पे, बहुत लेट लेट आती है। आपने अपने बेटे को नहीं बताया? बेटे को कैसा बताऊँ, उसको बताती हूँ तो मानता ही नहीं है मेरी बात। और आपके हस्बैंड? मेरे हस्बैंड नहीं है। देखो आंटी कोई बात नहीं, देखो आंटी जी रो मत आप प्लीज। और क्या बोलती हो आपको? आंटी जी रो मत प्लीज, प्लीज आंटी जी रो मत। बोलती है कि दहेज का इल्जाम लगाऊंगी, केस कर दूंगी तुम्हारे ऊपर, ऐसे बोलती है मेरे से। अच्छा। हाँ, खाना भी नहीं देती ठीक से। खाना भी नहीं देती? खाना भी नहीं देती है। मतलब यार देख लो, मतलब कैसी बहू आ रही है। कोई बात नहीं, देखो आंटी जी घबराओ मत आप। और कुछ भी बोलती है आपको? बहुत बहुत कुछ बोलती है बेटा, झगड़ा ही करते रहती है। बोलती है कि आने दो बताऊंगी तुमको, और मेरा बेटा भी मुझे ही डांटने लगता है कुछ बोलो तो। आपका बेटा आपको ही डांटने लगता है? मुझे ही डांटने लगता है, तेरी गलती होगी ऐसे बोलता है। तो कोई बात नहीं माता जी, देखो घबराओ मत आप प्लीज, चुप हो जाओ भाई। मतलब देख लो किस टाइप से बहुएं आ रही हैं आजकल की। तो कोई बात नहीं, आप घबराओ मत माता जी। नंबर है उनका? हाँ। आपके पास मोबाइल है? नहीं मोबाइल नहीं है। तो मैं अपने नंबर से कॉल कर लूँ उनको? हाँ कर लीजिए आप। बताना उनका नंबर। 989 आगे तो भाई देख रहे हैं एक बार उनको कॉल करके। क्या नाम उनका? उनका नाम है प्रिया। प्रिया नाम उनका जी। तो देख रहे हैं भाई एक बार कॉल कर रहे हैं उनको। हेलो। हेलो प्रिया जी बात कर रहे हैं क्या जी? आपका? हाँ ये सोनिया आपकी सासू माँ है क्या? हाँ वो बुढ़िया ना। हाँ मेरी सासू माँ, बोलो क्या हुआ? इनका ना चोट लगी हुई है, ये यहाँ पे बैठे हुए हैं काफी देर से। वो बुढ़िया को है ना मैंने कितनी बार बोला है घर में ही बैठा कर, जिंदा की मर गई हो। नहीं यार देखो मतलब कि वो है ना अभी यहीं पे बैठे हुए हैं, उनको ज्यादा चोट लगी हुई है। तुम आ सकते हो क्या एक बार? बुढ़िया की भी ना अभी तो रुको, मैं आके देखती हूं। आप मुझे लोकेशन सेंड करो। ठीक है मैं आपको लोकेशन सेंड करता हूँ। ठीक है। माता जी ये तो बहुत वो है, आपके घर पे भी ऐसी रहती है? ऐसे करती है, देखो आप से बोल रहे ना ऐसे ही बुढ़ी सीधे बैठ जा। अच्छा। तो कोई बात नहीं माता जी, उनको आने दो एक बार, हम यहाँ पे सब कैचअप कर रहे हैं। ठीक है आप उनसे बात करना, वो सब रिकॉर्ड हो जाएगा वहाँ पे। ये माइक मेरा माइक आपको देके जाऊंगा मैं। ठीक है ठीक है भाई, तब तक वो आते हैं ना थोड़ा कैमरा साइड कर लो। 20 मिनट्स लेटर। नहीं बेटा मैं गिर पड़ी थोड़ा। मुझे तो लगा तू मर गई पर तू जिंदा बैठी। नहीं बेटा ऐसा मत बोल। तुझे कितनी बार बोला मैंने तू घर में बैठ के घर के काम किया कर, तू बाहर क्यों निकलती है लोगों को तमाशा दिखाती है? हाँ नहीं बेटा 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 कुछ नहीं, मुझे हाथ मत लगा। मैं तो तुझे समझा रही हूँ, मैं बच्ची समझती हूँ अपनी बेटी समझती हूँ। तू ना मुझे समझा घर भी सकती थी, तू ये बाहर लोगों को क्यों तमाशा दिखा रही है? अरे ऐसा मत बोल बेटा, मुझे हाथ मत लगा, ऐसा मत कर। अरे तुम, मैं तुझे अपनी बेटी की तरह मानती हूँ, तुझे हर तरह से छूट दिया मैंने, कोई चीज की कमी रखी क्या तुझे? मेरा पति कमाता है, मेरे पति का पैसा है, मैं कुछ भी करूँ, तू मुझे मत समझा ठीक है? बाहर वाले देख के हंसे, ऐसा काम मत कर, इतना रात को आती है। मुझे बाहर वाले पैसे नहीं दे रहे, मेरा पति कमाता है, मैं मेरे पति का पैसा उड़ाऊँ कुछ भी करूँ उससे लोगों को, और तुझे क्या करना है? अरे बेटा नहीं है इधर, सुनता नहीं है तो कम से कम तू तो सुन बेटा, तू तो सुन, हाथ मत लगा, ऐसा मत कर बेटा, ऐसा मत कर। तू आज के बाद घर से बाहर नहीं जाएगी ठीक है? घर में काम पड़े वो कौन करेगा, कौन करेगा?
तेरे घर में नौकर है? ऐसा क्यों बोल रही है बाबू, मैं कितना काम करूंगी, मेरे से काम नहीं होता है। तुझे घूमने बाहर काम टाइम मिलता है? बैठी हूँ मैं थोड़ा आके बाहर, गिर के पड़ के लोगों को फोन करके, ये तमाशे मुझे नहीं चाहिए, ठीक है ना? मेरा तो कोई समझी ना, नहीं तो तुझे और तेरे बेटे को उसके केस में ना अंदर डाल दूंगी, ठीक है? फिर ए बुढ़िया रो मत, लोगों को तमाशे मत दिखा, घर चल चुपचाप। पता नहीं जाएगी, घर चलना है, घर चलना कि लोगों को तमाशे दिखा रहे आप? अरे बेटा मैं क्या बताऊं, मैं कहां फंस गई, मेरा बेटा भी नहीं है इधर, ये बहू मेरी बहुत परेशान करती मुझे। नहीं आप रो क्यों रहे हो यहाँ पे? क्या करूँ बेटा? कोई नहीं, आप बैठ जाओ यहाँ पे, बैठना, बैठ जाओ, बैठ जाओ। हेलो, तू कौन है? नहीं तुम ये क्या करो यहाँ पे? ये हमारा घर का मामला, घर का मामला, यहाँ बीच में सुन घर का मामला, मैं घर में ही सॉल्व करती, कुछ निकल जाए। घर का मामला कहाँ पे ये भाई, यहाँ पे तुम इनको परेशान कर रहे हो, तू निकल जा, इनको तू अपना काम कर। हैं? मैं अपना काम करने के लिए आया हूँ यहाँ पे। तू है ना? ओए हेलो, तू ज्यादा ना, नहीं तो तुझे भी है ना छेड़छाड़ केस में अंदर डाल दूंगी। मेरे को? चलो करवाओ, क्या करवाओगे तुम? मैं बोल दूंगी मुझे छेड़ा, किसने? मैंने? तू निकल जा, मैंने छेड़ा? ऐसे मेरा दिमाग खराब। आपकी बहू है, यही है वो? यही बहू है मेरी, देखो कैसा ए, बात कर रही है आपके साथ। मत नहीं, आप अपने घर वाला नहीं है। हेलो सुनो, मैडम सुनो, आपको तमीज नहीं क्या बात करने? तू सिखाएगा? हाँ मैं सिखाने के लिए आया हूँ, मैं तमीज सिखा दूंगा। अभी निकल मेरे साथ। क्या तुम इसको रुला रहे हो, क्यों परेशान कर रहे हो? चोट लगी? चोट नहीं लगी, चोट सुनो मेरी बात सुनो, आपको कॉल आई थी ना, वो मैंने करके बुलाया था। अच्छा, कोई मर गई ऐसे तो कॉल आता तो अच्छा हो जाए। आपको मतलब कुछ भी, वो तमीज नहीं है, है? शर्म नहीं है क्या? हाँ मैं तमीज सिखाने के लिए आया हूँ, है? मतलब की आपका जो हस्बैंड, आप उसके पैसे उड़ा रहे हो, इनको कुछ वो नहीं है? मेरे पति का पैसा मैं उड़ा हूँ, इनका तेरा क्या जा रहा है? अरे चुपचाप रे बाबा, तुझे से तो इज्जत से बात करना बाबा, तू मत सिखा मुझे, समझी ना? मेरी बात सुनो। हेलो, तू कौन है? नाना मेरी बात सुनो, राम की मैडम देखो आप इनके साथ कर रहे हो, बहुत गलत कर रहे हो। यार मुझे सिखाएगा? नहीं मैं सिखाने नहीं, एक बड़ी बहन लगा लो आप, उनकी बहन हो समझो, इनके साथ आप अच्छा नहीं कर रहे हो। हाँ तो कैसे करना चाहिए? नहीं मतलब ये तुम्हारी सासू माँ, इनकी आपको देखभाल करनी चाहिए, आप इनको टाइम पे खाना समझ लो बाबा। अरे टाइम नहीं है, नहीं आप इनको मतलब माता जी यही है क्या? ऐसे ही है क्या? ऐसे ही है बेटा, देख आपके साथ कैसा बात कर रही है, ऐसे मेरे को भी सताते रहती है। चुपचाप बैठ। क्या चुपचाप? लोगों को तमाशे मत दिखा, समझी ना? घर में भी ऐसे करती ना, बाहर भी ऐसी बात कर रही है। नहीं चलो, कहाँ पे लेके चलो, मेरे को लेके चलो। हाँ चलो ठीक है, मुझे छेड़छाड़ के अंदर डाल दिया, नहीं दिखा ना मेरा नाम। नहीं क्या करवा सकते हो तुम मेरे को, किस बात का छेड़छाड़ का आरोप लगा, वो ये बता दूँ। मैंने तो कहीं नहीं छेड़ा, मेरे पास नहीं है। क्या प्रूफ? मैं दिखा दूंगा अभी प्रूफ, थोड़ी देर में आपको, थोड़ी देर में आना आपको सब कुछ दिखाऊंगा। और क्या बोल रहे हो आप, क्या बोल रहे हो? दहेज का केस हो हैं यार, आपका हस्बैंड इतनी वो करता है, आप माता जी के साथ ऐसा करते हो? माता जी आप रो मत, चुप हो जाओ थोड़ी देर। ए ये रो मत, रो मत क्या? ए हेलो, बहुत देर हो गई, डोंट टच मी, मेरी बात सुनो, मतलब जो आपकी मम्मी है उनको भी आप बुढ़िया ही बोलती है? हीरोगिरी नहीं, मतलब अगर तुम्हारी मम्मी को कोई ऐसे बोले तो उनके साथ क्या करोगे तुम? पर तू कौन होता है मुझे ये बोलने वाला? नहीं मैं बता दूंगा अभी, मैं होता हूँ नहीं, मतलब कि तुम्हारी मम्मी है उसको ऐसे कोई बोलेगा बुढ़िया ये कर ले वो कर ले, कोई नहीं बोलेगा। अरे इनकी, अरे शांति से बात कर बाबा, उससे ऐसा बात मत कर, चुपचाप है। हेलो फिर से बात कर, क्या उनसे उनसे तो तूने बात नहीं करनी। तू कौन है हमारे घर में बोलने वाला? शर्म नहीं है क्या कुछ? थोड़ा वहाँ पे देखना क्या है, वहाँ पे दिख नहीं रहा क्या? नहीं वहाँ पे मैंने जो तू माता जी के साथ करी है, साथ करी है झूठा केस लगा दूँ वहाँ पे ना, मैंने कैमरा लगाया सब चीज़ें रिकॉर्ड कर रहा हूँ वहाँ पे। तू क्या सोच रही है माता जी? एक मिनट, ये पता क्या, ये वॉइस रिकॉर्डर है, तेरी आवाज भी रिकॉर्ड हो रही है, और तू क्या बोलती है? तेरा हस्बैंड तेरे ऊपर वो करता है यकीन? नहीं नहीं अब बोलो उधर देख के,
नहीं भाई, भाई तो नहीं भाई, अब कहाँ से भाई? नहीं भाई, मैं तो ऐसे ही मस्ती, जो थोड़ा मैं हाइपर हो गई थी, थोड़ा टेंशन में, नहीं ये गुस्सा निकाल लिया। नहीं किस चीज का गुस्सा? ऐसे हमारे घर में ऐसी प्रॉब्लम चल रही है। नहीं अब मेरी बात सुनो माता जी, देखो घबराओ मत आप, ठीक है ना? वहाँ पे सब रिकॉर्ड कर दिया मैंने। और क्या बोलती तुम इनको, बुढ़िया बोलना आप दोबारा? नहीं नहीं, ये तो मेरी मम्मी जी है, तो मैंने थोड़ा गुस्से में बोल दिया। सास बहू में चलते ही रहते हैं। नहीं सास बहू में फिर इतना थोड़ी चलता है, इनको टाइम पे खाना नहीं देती हो, ये कौन सा सास बहू का प्यार है भाई? नहीं नहीं, उनको तो तबीयत ठीक नहीं था, तो वो खाना नहीं खा पाते। अच्छा तो ये अब तबीयत वो नहीं है। माता जी आपको कुछ हो रखा है, बीमार हो आप? क्यों झूठ बोल रही हो यार, कम से कम कैमरे की तो शर्म कर लो, उसके सामने झूठ बोल रही हो है? नहीं भाई, वो तो मैंने थोड़ा गुस्से में बोल दिया, थोड़ा टेंशन में थी। नहीं टेंशन किस चीज़ की? अकेली रहती हो घर पे, राजाओं की तरह रह रही हो है? एक माता जी है, इनकी आपसे देखभाल नहीं हो रही है, किस लिए शादी करवाई है? नहीं नहीं, वो थोड़ा ताकि इनकी सेवा कर सको है? हमारे सास बहू का तो मेरी मम्मी के जैसी है। नहीं अब मम्मी के जैसी हो गई है? नहीं अभी क्या बोल रहे थे, यहाँ पे आते ही बुढ़िया मर क्यों नहीं गई है, यही तमीज है क्या? नहीं सॉरी भाई। क्या सॉरी? नहीं मेरे से दूर हट के बात करो। क्या क्या बोल रही थी? मेरे को मेरे ऊपर ही केस लगाना चले क्या? नहीं मैं तो मैं चलता हूँ पुलिस में लेके, ठीक है माता जी? हाँ। हम चलते हैं पुलिस में जी, चलें? चलो जी, आप तो मेरी माँ के जैसे हो। हैं? नहीं अब क्या हो गया बोलो ना आप, बुढ़िया गुस्से में बोल दिया आपको मम्मी जी। नहीं अब क्या, अभी तो ऐसा नहीं करेगी ना? नहीं नहीं सोच लो एक बार फिर से, और ये जो वीडियो बनाई ना ये आपके हस्बैंड को भी दिखाऊंगा मैं। नहीं भाई प्लीज। हाँ देख लेना, मैं मम्मी जी को आज के बाद अच्छे से संभाल। नहीं क्या, नहीं जब से तो बड़े चश्मे वश्मे लगा के हीरोइन टाइप बन के आई थी हैं। नहीं भाई मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मेरे से क्या गलती होगी, इनसे मांगो ना माफी। मम्मी जी मैं आज के बाद ऐसे कभी नहीं करूंगी। नहीं आंटी जी सोच लो एक बार फिर से, सोच लो करना है माफ इनको। जाने दे बेटा, मेरी बहू है, जाने दे। ऐसी बहू होती है क्या, इसको शर्म नहीं है बिल्कुल भी? नहीं भाई आज के बाद, मम्मी जी मैं आज के बाद ऐसी कभी नहीं करूँगी। जाने दे अभी, छोड़ दे अभी, गलती हो गई, जाने दे, लेकिन अब आज के बाद ऐसा मत करना। नहीं नहीं भाई आज के बाद ऐसे, सोच लो अगर आज के बाद हो गया ना, देखो मेरे पास वहाँ पे लाइव प्रूफ है, सब कुछ है मेरे पास, समझ रही हो ना? जो तुम बोल रही थी मैं केस लगा दूंगी, वो लगा दूंगी, अरे शादी करिए यार, मतलब कि देखो माता जी की उम्र देखो, इनकी सेवा करनी चाहिए तुम्हें, और तुम इनके साथ ऐसा बिहेव करती हो। आज के बाद ऐसी गलती नहीं होगी मुझसे, ठीक है? मैं उनको अपनी माँ की तरह रखूँगी। सोच लो एक बार फिर से। हाँ मैंने सोच लिया। और ये जो वीडियो है ना ये आपके हस्बैंड को जरूर भेजूंगा मैं वहाँ पे, उनको जरूर दिखाऊंगा, दिखाऊंगा ना माता जी? आपके हस्बैंड भी यकीन नहीं करते हैं माता जी पे। नहीं मम्मी जी मैं आज के बाद ऐसे नहीं करूंगी। नहीं दिखाऊंगा मैं उनको, ठीक है माता जी? हाँ। आपको प्रॉब्लम नहीं है ना? बस नहीं। हाँ मैं ये वीडियो आपके हस्बैंड को तो जरूर दिखाऊंगा। अब क्या करना है इसको माता जी, समझ जाएगी ये? हाँ समझ जाएगी लगता है आपको। अभी नहीं समझेगी तो फिर अपन वो वीडियो ये करेंगे। हाँ ठीक है, मेरी बात सुनो, मेरा नंबर आपके पास भी और आपका नंबर मेरे पास है, मैं ना कॉल करूँगा और माता जी से ना बात करी ना, फिर देख लेना तुम्हारा हाल क्या होगा, ठीक है? ठीक है माता जी। हाँ ठीक है बेटा। और इनको घर पे लेके जाओ, अच्छे से केयर करो इनकी, ठीक है भाई? ठीक है, ठीक है माता जी। हाँ बेटा पक्का? हाँ। और कुछ प्रॉब्लम हो? नहीं। और कुछ बोलते हो अभी बता दो। नहीं कुछ नहीं। चलो ठीक है, अच्छे से ध्यान रखने का, केयर रखनी है इनकी, ठीक है भाई? ठीक है माता जी। हाँ बेटा ठीक है, जाओ आप। जैसा कि आपने देखा भाई, वो एक अमीर घर की लड़की थी, मतलब कि यार अमीर है तो यार तुम कुछ भी करोगे क्या, किसी गरीब का मजाक मत उड़ाओ भाई। मैं यही मेरा वीडियो बनाने का एक ही मकसद होता, ताकि ऐसे जो लोग होते हैं उनको भी एक सबक मिल सके। और प्लीज़ मैं आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो आप पुलिस में जाओ, कंप्लेंट कराओ, उनके खिलाफ़ ज़रूर कार्रवाई होगी। इसीलिए मैं वीडियो बनाता हूँ ताकि आप लोगों को एक मैसेज मिल सके, अच्छा मैसेज मिल सके। अगर आपको इस वीडियो से कुछ मैसेज मिलता है तो भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना, ठीक है भाई? और हाँ 1 लाख होने वाले हैं भाई, जल्दी से 1 लाख सब्सक्राइब करवा दो, और अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखना भाई। मिलते हैं भाई एक नेक्स्ट वीडियो में नई मस्ती के साथ। और हाँ दोस्तों, यहाँ पे साइड में इंस्टाग्राम का स्क्रीनशॉट लगा हुआ है, इस नाम से मेरा इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो करो और DM करो भाई, ज़्यादा से ज़्यादा बात करने की कोशिश करूँगा आप लोगों से, आप लोग मेरे को सजेशन ज़रूर करना, ठीक है भाई? ओके बाय, लव यू ऑल।